हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग पहले ही देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या ही करने वाली हूँ। तो मैं कर रही हूँ जंगल थीम की डेकोरेशंस। भाई रुको, ज़रा ज़्यादा नहीं सोचते, ये मत सोचो कि मैंने ये साड़ी क्यों पहनी है, क्योंकि ये टारगेट मैंने खुद के लिए लिया है। एक इंडियन लड़की क्या क्या कर सकती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये डेकोरेशन। तो सबसे पहले मैंने सारे बैलून्स अपने निकाल लिए हैं और मैं शुरुआत कर रही हूँ ग्रीन कलर के बैलून से। सबसे पहले हम सारे के सारे ग्रीन कलर के बैलून्स फुलाने वाले हैं और मैं ये मशीन लेके आ चुकी हूँ। इस मशीन को लेके मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली है, एंड मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपनी खुशी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये मशीन मिलने कितना ज़्यादा मतलब बेनिफिट है, क्योंकि मैं सारे बैलून्स अपने पंप से फुलाती थी। तो सबसे पहले मेरा ये एक सपना था कि मैं ये मशीन लूँ। कब से मैं सोच रही थी इस मशीन को लेने के लिए, क्योंकि मुझे डेकोरेशंस बहुत भारी पड़ जाती थी, मेरा पूरा पूरा दिन निकल जाता था। एंड इस डेकोरेशन में भी हमारा पूरा दिन गया था। हम लोगों ने डेकोरेशन 12:30 बजे के बाद या फिर 1 बजे के आसपास शुरू की थी। तो ये डेकोरेशन हमारी आई थिंक 5-6 घंटे में हो पाई थी, 6-7 घंटे में लग गए थे आराम से इजीली। तो मैंने ये चैलेंज तो ले लिया है, देखते हैं हमारे ये चैलेंज पूरा होता है कि नहीं, क्या मैं इस साड़ी में ये डेकोरेशंस कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन सच में बताऊँ तो मुझे ये बैलून्स फुलाने में इस मशीन से इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये मशीन हर किसी के पास नहीं होती है, ये मशीन होती है उन प्रोफेशनल लोगों के पास जिनका काम ही डेकोरेशंस करना होता है। तो मैं उनकी मशीन देख देख के सोचती थी कि मैं कभी ये मशीन लूँगी, तो मैंने भी जैसे तैसे ये मशीन ले ही ली है। और माफ़ी चाहती हूँ अगर पीछे से अगर शोर आ रहा है तो प्लीज़ उसे स्किप करें, उसे उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि मैं उस शोर को नहीं हटा सकती हूँ। और सबसे पहले आप इसकी स्पीड देखिए कि ये हमारा कितना ज़्यादा टाइम बचाती है। वाकई में ये मशीन बहुत अच्छी है जिसने मेरा इतना ज़्यादा टाइम बचाया कि जो चीज़ मैं पंप से फुलाती थी जो बैलून्स, वो मैं इस मशीन से कर रही हूँ। जो काम मेरा 2 घंटे में होता था वो काम मेरा 1/2 घंटे में हो रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं। एंड अगर आपको इस मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं इसकी वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगी। और मैं ये सारा सामान कहाँ से लेके आई हूँ इसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप वीडियो में देख लेना कि ये सामान मैं कहाँ से लेके आई हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने ये जो डेकोरेशन करी है, ये डेकोरेशन हम लोग इस हॉल में नहीं करने वाले थे। एक्चुअली हम लोगों का प्लान था कि हम लोग छत पर करेंगे, बट छत पर बारिश का माहौल था तो बारिश कभी भी आ सकती थी और हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाती, इसलिए हम लोगों ने छत पे नहीं करा। फिर हम लोगों ने इसी हॉल के अंदर सारा खाली करके हम लोगों ने इसी में ट्राई करा। तो ये देखिए कितने सारे बैलून इससे इतने जल्दी फूले हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और इस डेकोरेशन को करने में मेरी जिन्होंने हेल्प करी है वो मेरे एक भैया हैं, तो उनको मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अगर आपको मेरी ये डेकोरेशंस अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये डेकोरेशन करते समय मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है वो आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा। एंड मैं आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार चाहती हूँ बस। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें मेरे ऊपर। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आप लोगों से पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी। एक बात और कि फाइनली हमारे YouTube पर 200 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो भाई साहब मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि ये सारी वीडियोस और इतना सारा प्यार मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से मिला है। तो अपने इसी प्यार को इसी तरीके से बनाए रखें और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहें। और अगर आप भी इसी तरीके से डेकोरेशन कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं हूँ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का जिस दिन YouTube वालों को मेरी मेहनत नज़र आएगी
और अगर आप मेकअप एंड मेहंदी का शौक़ रखते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि मैं मेहंदी और मेकअप भी करती हूँ। एंड आप देख रहे होंगे मैंने इतने सारे बैलून्स फैला लिए हैं और ग्रीन कलर में मैंने इतने सारे कलर्स ले रखे हैं इसमें, और ये जो गोल्डन कलर था ये हाईलाइट करने के लिए मैंने लिया था। तो ये जो अलग से हाईलाइट हो रहा है, ये गोल्डन वाले कलर का पैकेट्स सबसे ज़्यादा महंगा इसी का पैकेट आता है, क्योंकि ये नॉर्मल बैलून्स नहीं थे, ना ही मेटालिक बैलून थे, ये बैलून्स बहुत अलग थे। इसका एक पैकेट 250 का पड़ता है। तो फाइनली मैं इसका एक बंच बना रही हूँ, तो मेरे से जितना हो सका मैंने आपको दिखाया कि मैं इसमें क्या क्या कर रही हूँ और मैंने डेकोरेशंस कैसे कैसे करी है। तो फाइनली हमारे पर्दे और हमारे बैलून्स दोनों लग गए हैं। तो ये देखिए, जिन भैया की मैं बात कर रही थी, फाइनली वो भैया मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि चलो मेरे लिए फाइनली कोई हेल्प के लिए खड़ा हुआ है। एंड इन भैया को मैंने स्पेशली कहा था, तो उन्होंने मेरी हेल्प भी करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई में उन्होंने उस दिन बहुत ज़्यादा काम किया था। तो देखिए, मैंने इस बैलून को टक करने के लिए सबसे पहले मैंने कॉर्नर पर दो कील लगा रखी हैं, उनको मैंने थ्रेड से बांध रखा है अच्छे से, और मैंने ये पर्दा भी थ्रेड से लगाया था। तो और उसके बीच में मैं कहीं कहीं पर टेपिंग कर रही हूँ, और जब हम इसमें टेपिंग करते हैं तो इसमें हम सेलो टेप, बड़ी वाली जो आती है चौड़ी वाली, उसका यूज़ करते हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी ये डेकोरेशन करते में, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। मुझे उन लोगों ने ये मौका दिया अपने बेटे के बर्थडे पे, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया, मेरे पे विश्वास किया कि हाँ मैं ऐसे डेकोरेशन कर सकती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं मेकअप, मेहंदी ये भी लगाती हूँ, मेकअप भी करती हूँ, मैंने ब्राइड्स भी तैयार कर रखी हैं। तो अगर आप भी अपने मेकअप और मेहंदी के शौक़ रखते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक में और फेसबुक के लिंक में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। और ये मेरा शौक़ है कि मेरे को मेहंदी लगाना, मेकअप करना एंड डेकोरेशन करना, क्राफ्टिंग करना, पेंटिंग करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सारी बातें छोड़ के बस एक ही बात आती है कि पढ़ाई के अलावा सारे शौक़ हैं हमारे। तो फैमिली को तो खैर पढ़ाई चाहिए थी, और मेरा सारा इंटरेस्ट डेकोरेशन में और इन सब चीज़ों में चला गया। तो ये मेरी गलती नहीं है, ये मैंने एक जो मेरे अंदर हुनर आया, मैंने अपने उस हुनर को पहचाना। तो आप भी अपने उस हुनर को पहचानें, और सबके अंदर एक एबिलिटी होती है, बस उसको पहचानने की देरी होती है। मैं आपको बता देती हूँ कि पढ़ाई के मामले में तो मैंने भी टीचिंग का कोर्स कर रखा है, बट मैं किसी क्लास में बैठ के सिर्फ वो 50 और 100 बच्चों को नहीं पढ़ाने चाहती, मैं अपने हुनर से इस पूरी दुनिया को पढ़ाना चाहती हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको कुछ इस बार कुछ नया देखने को मिला होगा, क्योंकि मैं हर बार अपनी वीडियो में कुछ नया दिखाने की कोशिश करती हूँ। फाइनली हमारा यह आर्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अपनी वीडियो यहीं तक बना पाई थी, एंड इसके बाद हमारी डेकोरेशन होती है ये कंप्लीट। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अगर आपको भी मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये नई डेकोरेशंस कैसी लगी है। तो ये थी मेरी मेहनत जो मैंने आपको फाइनली सब कुछ दिखाया है, एंड मेरी तरफ से ये बहुत यूनिक था कि मैंने अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करी है। मैं हर एक इवेंट में यही करती हूँ अपना, कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, एंड सामने वाले के लिए जो दिन स्पेशल्स होता है उस दिन को हम और भी ज़्यादा स्पेशल बना पाएँ। और हाँ, मेरा फाइनली वो साड़ी वाला टारगेट हुआ कंप्लीट, कि मैंने वो डेकोरेशन करी थी पूरी साड़ी में, जो कि आपने खुद देखा। तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक करें, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी डेकोरेशन कैसी लगी है। तो आइए एक बार बर्थडे बॉय को भी देख लेते हैं, तो ये देखिए इनकी खुशी ये। और हाँ, एक थैंक यू तो छोटा सा कैमरे वाले भैया के लिए ही बनता है, क्योंकि उन्होंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।